गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। और प्रेजेंट टाइम में अभी हम हैं गुरुद्वारा श्री रीठा साहिब, और ये पड़ता है चंपावत डिस्ट्रिक्ट में। यहाँ पे हम लोग कल शाम को ही पहुँच गए थे, करीब खटीमा से चले थे, अराउंड 12:30 बजे के अराउंड चले थे और शाम को 6 बजे के अराउंड पहुँच गए थे। और बीच में हम लोगों ने जो कहाँ से किया था, हाँ, सूखी ढांग से लेकर यहाँ तक का करीब 33 किलोमीटर ऑफ रोडिंग की, वो भी स्प्लेंडर से, बहुत ही दर्दनाक। वो जो ऑफ रोडिंग थी, मतलब समझिए रोड बिल्कुल नहीं थे, और ऑफ रोडिंग करते करते हम लोग का जो स्प्लेंडर से आए थे, तो वहाँ पे लग रहा था कि हम लोग को हिमालयन या फिर बुलेट से आना चाहिए था। लेकिन फिर पूरा जंगल का रास्ता था, हम लोगों ने किसी तरह से भगाया और यहाँ पर सही सलामत पहुँच गए। और शाम को ही हम लोग यहाँ पर पहुँच गए थे। इसके बाद यहाँ पर रहने के लिए गुरुद्वारे की तरफ से रूम प्रोवाइड किया जाए, तो हमने रूम ले लिए थे और शाम को ही लंगर वगैरह यहाँ पे छक लिया था। इसके बाद सुबह उठे, दर्शन वगैरह करने के बाद अभी हम लोग यहाँ से निकलने वाले हैं। तो आप देख लो जी, यही है गुरुद्वारे का। हम लोग अभी छत पे आए हैं और यहाँ से खूबसूरत नज़ारा दिख रहा है। और यहाँ पर ये दो नदियों का संगम आप देख सकते हो, ये दो नदियों का संगम है। कौन कौन से नदियाँ हैं? रतिया और लोधिया नदियों का संगम यहाँ पर है। और यहाँ पे नीचे आप देख सकते हो खेती वगैरह भी की गई है। अभी आई थिंक गेहूं की खेती है और भी कई फसलों की खेती यहाँ पे की गई है। चलिए आपको बैक कैमरे दिखाते हैं। और हम लोग बस यहाँ से निकलने वाले हैं, अब जाएंगे खटीमा फिर से वापस, लोहा घाट होते हुए खटीमा जाएंगे। तो जी, आप मेरे सामने देख सकते हो, यही वो रीठा का पेड़ है और इसी कारण गुरुद्वारा श्री रीठा साहिब यहाँ पे इसका नाम रखा गया गुरुद्वारे का। और यहाँ पे गुरु नानक जी विजिट भी किए थे, आप देख लो। और हम लोग धूना घाट पहुंच चुके हैं, करीब वहां से रीठा साहिब से 40 किलोमीटर आगे आ चुके हैं। और हम लोग यहां पे रुके हैं चाय नाश्ते के लिए। तो हम लोग के साथ एक दुर्घटना भी हो गई, जैसे ही हम लोग रीठा साहिब से चले, करीब 5 किलोमीटर ऊपर आए होंगे, वहां पे हमें जो काले बंदर नहीं होते, वो काले, हम लोग उस समय वीडियो बना रहे थे तो आपको दिखता, तो काले बंद लंगूर जो होते हैं उनका पूरा झुंड था वहाँ पे, करीब आप समझो कि 500 मीटर में पूरा वो सब फैले हुए थे। तो हम लोगों ने सोचा कि धीरे धीरे निकाल ले जाएंगे, अब बीच में आ गए तो लोग इधर उधर भागने लगे। तो हम लोग सोचे कि यार अगर रुके तो शायद अटैक कर दें, इसलिए हम लोग आगे बढ़ गए धीरे धीरे ही। लेकिन उसमें से एक लंगूर जो सबसे बड़ा था, वो हम लोग का रास्ता जो है क्रॉस कर दिया, वो सीधे आके हम लोग की गाड़ी के आगे आ गया, मतलब बाइक के आगे आ गया, जिससे वहाँ दुर्घटना घटी, हम लोग गिर गए। और आप देख सकते हो कि ये चोटें आई हैं हमको। हेलो हेलो, तो कैसे हो? मैं यही कहूँगा, मेरे को थोड़ी चोट लगी इसमें, इसमें थोड़ा सा हो गया और थोड़ी ये लगी है बस, ज़्यादा बिना साहब ये नहीं लगेगा। लगड़ी बात, ये तो बहुत नरम होता है।
बिना साफ किए नहीं लगेगा, अंदर इन्फेक्शन हो जाएगा। दोस्तों एक्सीडेंट होने के बाद करीब हमने 100 किलोमीटर की ड्राइविंग की और रास्ते में हमें कहीं पे भी कोई हॉस्पिटल नहीं दिखा। और इसके बाद हम पहुंचे चंपावत सिटी, तो वहां पे चंपावत जिला अस्पताल हमें सामने ही दिखा, तो बस देर किस बात की, हमने बाइक घुसा दी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में। इसके बाद आप देख सकते हो कि यहाँ पे इलाज वगैरह चल रहा है। पहले इनकी मनोज की ड्रेसिंग हुई, फिर हमने अपनी ड्रेसिंग करवाई। इसके बाद हम लोग निकले घर को, लेकिन रास्ते में ही करीब सूखी डांग पहुँचते पहुँचते शाम हो गई, करीब 6:30 अराउंड बज गए थे, तो हमने वहीं पर रुकने का निर्णय किया। उसके बाद नेक्स्ट डे हम पहुँचे खटीमा अपनी बाइक। अभी 3 बज चुके हैं और हम लोग पहुंच चुके हैं चंपावत डिस्ट्रिक्ट, और ये चंपावत जिला अस्पताल है यहाँ पे। तो इनकी मरहम पट्टी यहाँ पे करवा दी गई है, यहाँ पे आप देख सकते हो। साथ ही हमने भी थोड़ा सा ये करवा लिया है, बैठी गंगा में हाथ धो लिया है। अब चलते हैं, देखते हैं कितना टाइम लगता है। ये है यहाँ से कुछ इस तरीके का खूबसूरत दृश्य। तो फ्रेंड्स खटीमा पहुंचकर हमने अपने बाइक का वाइजर भी चेंज करवाया, क्योंकि वाइजर टूट गया था। साथ ही जाते समय 33 किलोमीटर की ऑफ रोडिंग किया था, तो उसका चेन सेट भी ढीला हो गया था, तो चेन को भी हमने टाइट वगैरह कराया, चेन लूप भी करवाया। इसके साथ ही और भी कुछ काम बाइक में करवाया। अब हमारी बाइक बिल्कुल फिट हो गई है स्प्लेंडर नेक्स्ट राइड को। तो जी जो हमारा ट्रैवल रहा थोड़ा सा दुखद भले से रहा, लेकिन ठीक है, चलता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब और लाइक शेयर करते रहना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हर हर महादेव।